हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मीशो हॉल शेयर करने वाली हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि ये हॉल मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बट मेरे में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा था कि मैं मीशो से वो चीज़ें परचेस करूँ। सो या बेसिकली आज का जो ये हॉल होने वाला है, छोटा सा हॉल, ये एक मीशो डेकोर हॉल होने वाला है, जहाँ कि मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ करी है फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, होम डेकोर चीज़ें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। का जो फर्स्ट आइटम है उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप लोग देख लेना। उसका जो प्राइस रेंज है वो भी आप देख लेना, और साथ ही साथ जो यू नो मटेरियल की किस तरीके से दिख रहा है वो भी आप देख लेना। ओके, तो इससे पहले मैंने मीशो से डेकोरेशन का चीज़ें कुछ भी मैंने परचेज नहीं किया था। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, इसे मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कैसा आएगा क्या नहीं आएगा। वैसे भी यहाँ पे रिटर्न करने का पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर अच्छा नहीं लगा तो अभी सबको पता ही है कि उसमें रिटर्न हो जाएगा, बट मैं नहीं चाह रही थी कि यार ऑर्डर करूँ फिर वो आए घर पे, फिर वो अच्छा नहीं लगे तो फिर मैं उसको रिटर्न करूँ। मतलब मुझे अपना घर सजाना था बहुत जल्दी से जल्दी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जो मैं ऑर्डर करूँ वो एकदम अच्छा आए और मैं उसको रिटर्न मुझे ना करना पड़े। बट या उसके बाद जब मैंने इसको ऑर्डर दिया, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगी कि ये सामने से कैसा दिख रहा है। सो हेयर इट इज़, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा दिख रहा है। ये एक यू नो ग्लास बॉल है, इसकी जो मटेरियल है, आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, ये एक ग्लास यू नो बॉल टाइप का है। ये आप मतलब कुछ भी आप इस मतलब आप अपने क्रिएटिव माइंड से आप इसको कैसे भी सजा सकते हो, बट मैंने इसको लिया है। इसमें मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना ये फ्लावर पेटल्स जो होते हैं, इसमें पानी दे के इसमें फ्लावर्स पेटल रख के फिर इसको ना ऐसे ही टेबल के बीच में रखूँगी ताकि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और एक आइडिया मेरे पास है, इसको मैं एज अ यू नो फ्लावर पॉट भी यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं फ्लोरल देखना, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स सी लाइक प्लास्टिक वाले जो फ्लावर्स आते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर है, तो वो मैं यहाँ पे सोच रही रखूँगी और इसको मैं एकदम सेंटर ऑफ द टेबल में इसको रखूँगी। एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है। आप चाहो तो इसके बीच में जो है बैम्बू का जो वो आता है ना प्लांट आता है, वो भी आप इस पर रख सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और मैं तो सोच भी रही हूँ कि शायद मैं यहाँ पर बैम्बू ही रखूँ, क्योंकि इसका जो शो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसका जो शेप है ना, आप देख सकते हो, इसका जो वॉल है, मतलब बॉल का जो वॉल है, बिल्कुल सर्कल टाइप का है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। एंड उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ इसमें ना ऐसे ही जो रंग बिरंगे जो वो आते हैं ना स्टोन्स आते हैं, वो भी मैं रख दूंगी। बट मीशो से मुझे वो भी लेना था बट मैं भूल गई, बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ वही सब रख के ऐसे ही डेकोरेशन करूँ मैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे ना घर डेकोरेशन करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड लुक एट दिस गाइस, कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ज़रूर आप लोग परचेस कर लो। एंड हो सके तो मैं इसका जो कोड है, लाइक मीशो में कोई लिंक नहीं होता है इसलिए मैं इसका जो कोड नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, आप लोग जरूरी पर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैंने परचेस की है फ्रॉम मीशो, उसका भी जो स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पे दे दूंगी। एंड आप प्राइस रेंज के साथ साथ जो इमेज है वो भी देख लेना कि कैसा ये फोटो पर दिख रहा है। एंड जब मुझे ये मिला ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैंने सोचा तक नहीं था कि यार इतना अच्छा मुझे रिसीव होएगा, क्योंकि ये एक प्लांट है आप देख सकते हो। और मतलब ऐसा होता है ना कि प्लांट एक ओरिजिनल चीज़ होता है, कि वो जब पार्सल में आ रहा है तो ऐसा डर बैठ जाता है कि पता नहीं कैसा आएगा। ऑब्वियसली ख़राब आता तो मैं इसको रिटर्न कर देती, बट या मैं नहीं चाह रही थी कि इसको मैं रिटर्न करूँ। सो हेयर इट इज़, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा जो है मटेरियल है। ये जो आप देख रहे हो नीचे, ये एक ग्लास यू नो पॉट टाइप का है, और ये मुझे इसके साथ ही रिसीव हुआ था। और यहाँ पे बैम्बू लीव है, इसको कहा जाता है कि इसको घर पे रखने से ऐसा जो है यू नो लकी माना जाता है, इसको शुभ माना जाता है। बट वो कोई रीज़न नहीं है कि मैंने इसको लिया है, मुझे बस ऐसा देखने में अच्छा लगता है ये, इसलिए मैंने इसको परचेस कर लिया है। एंड ये यू नो इसमें ना एक रिबन है ना, ये बंधा हुआ रहता है, शायद आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे रेड कलर का जो रिबन है वो तीन यहाँ पे ऐसे बांधे हुए हैं, तो ये आपको बिल्कुल खोलना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपको यू नो जो रिबन है वो साथ में ही रहे। ओके, अब जो सेकंड चीज़ है, मुझे कई लोग आप लोग पूछते रहते हो कि अगर बैम्बू रखे तो उसको किस तरीके से पानी दे या फिर क्या करे, तो मैं आपको थोड़ा कह देना चाहूँगी। यहाँ आप देख सकते हो
यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ना सिर्फ यहाँ तक ही पानी दिया है, ठीक है। यहाँ तक मैंने पानी नहीं दिया है क्योंकि आप सिर्फ इसकी जो रूट्स है ना वहाँ तक ही अगर पानी हुआ एनफ है, और 15 डेज बाद आपको जो है इसका अब पानी जो है चेंज करना पड़ेगा। एंड यार दैट्स इट, बहुत अच्छे से ये ग्रोथ होता है, बहुत टाइम लगता है इसको बड़े होने में, बट ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और हाँ, इसको तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कॉर्नर में जो पॉट्स नहीं होते ऐसे, मतलब टी टेबल टाइप, टी टेबल भी नहीं, छोटा छोटा ऐसे टेबल टाइप के होते ना, मीशो में भी वो मतलब अवेलेबल है। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम इसको मैं खरीदूँ एंड उसके बाद ऐसे इसको डेकोरेट करके रखूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है इसलिए मैंने इसको उठा लिया बस ऐसे ही। इससे पहले मैंने कई जगहों पे ना ऐसे बैम्बू वाले प्लांट मैंने ढूंढे हैं एंड प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा उनकी हाई रहती है, इसलिए दो तीन बार मैंने खरीदे भी थे बट मेंटेनेंस के वजह से जो है वो ख़राब हो चुके थे। दैट्स वाई फिर मैंने जब मीशो पे देखा इसकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा यू नो मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे थी, इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। इसका भी जो कोड है अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर दे दूंगी, तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलो। सो आज का जो थर्ड आइटम है वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि अगेन ये एक फ्लावर पॉट है एंड मुझे ना घर पे ऐसे फ्लावर पॉट्स लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी फ्लावर पॉट हो, मुझे क्लासी लुक वाले फ्लावर पॉट जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि आजकल जो है क्लासी फ्लावर पॉट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है एंड मुझे सब मतलब एक उनमें ना एक अलग सा ही वाइब्स होता है, ऐसा मुझे फील होता है। अगर आपको भी ऐसे ही फील होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आज का जो थर्ड आइटम है वो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। एंड इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी आप देख सकते हो। तो मुझे जब ये रिसीव हुआ ना, तो ये कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हुई है एंड आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट है एंड ये बहुत ही फैंसी, बहुत ही एक ट्रेंडी लुक है। मतलब इस टाइप की चीज़ें ना हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये बिल्कुल सर्कल शेप में आता है एंड इसकी जो मटेरियल है वो है सेरेमिक मटेरियल है इसमें, एंड ये आपको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। एंड इसकी जो शेप है वो आप देख सकते हो, इसकी शेप मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। जब मैंने इसको इमेज पे देखा था ना तो मुझे बिल्कुल वाइट दिखी थी, मतलब अभी शायद आपको दिख रही होगी बिल्कुल वाइट है, एकदम मिल्क वाली वाइट आपको दिख रही होगी, बट इन रियल ना ये मतलब 98% तक वाइट है, बट वो 2-3% ना ये थोड़ा सा ना येलोइश टोन पे है, बिल्कुल हल्का सा येलोइश टोन पे जो कि नज़र पे नहीं आ रहा है। बट या फिर भी मैंने सोचा था कि ये बिल्कुल वाइट वाली होएगी तो और अच्छा लगेगा, बट या आई एम हैप्पी विद इट। जब मैंने इसको परचेस किया तो मैंने नहीं सोचा कि इसकी जो शेप है वैसे सर्कल टाइप की है, तो इस पर जब मैं फ्लावर को ऐसे डालूंगी ना तो उसका जो स्टेम मतलब जो स्टेम होता है वो मैं कहाँ मतलब जाएगा, मतलब उसके जो ब्रांचेस है या मतलब इस साइड जाएगा या इस साइड, तो मैंने ये बिल्कुल सोचा तक नहीं था कि जब मुझे रिसीव हुई ना ये मटेरियल मतलब ये पॉट, तब मैंने जो है फ्लावर जो है इस पर डाल के देखा। तो ये ना आप ऐसे साइड से रख सकते हो, इस तरीके से आप इसको रख सकते हो क्योंकि सीधा इसमें कोई भी स्पेस नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिल्कुल सर्कल है, तो सर्कल टाइप का ही इसका अंदर का भी स्पेस है, तो आपको हमेशा ना ऐसे साइड पर रखना पड़ेगा। तो ये आप कह सकते हो थोड़ा सा यू नो डिसअपॉइंटमेंट है इसमें, बट स्टिल इट लुक्स सो क्लासी, तो मैंने इसको बस उठा लिया ऐसे ही। ओके, सो आज का जो फोर्थ आइटम है वो है एक फ्लावर पॉट, अगेन उसका जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे मैं दे दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। जो प्राइस रेंज है आप देख सकते हो और जो इमेज है वो भी आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। ओके, तो ये मिलने के बाद मुझे कुछ ऐसा ये रिसीव हुआ है आप देख सकते हो, एंड इसकी जो मटेरियल है वो एक सिरेमिक मटेरियल है और साथ ही बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बहुत ज़्यादा क्लासी सा लुक देता है। और इसको जब मैंने परचेज़ करता मतलब जब मैंने इसको मीशो पे देखा था, आप लोग इमेज पे भी शायद देखा आपने कि ये ना वाइट दिख रहा था, बट ये वाइट उतना ज़्यादा वाइट नहीं है, ये येलोइश टोन पे है जो कि अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम जो वाइट वाला होता है ना वो हमेशा अच्छा नहीं लगता है, ऐसा एक यू नो बहुत ही नेचुरल सा लुक आता है इसमें। ये इसमें एक थोड़ा सा येलोइश टोन है जो कि बहुत ज़्यादा क्लासी वाइब्स आ रहे हैं इसमें से। इसके इससे पहले वाला जो पॉट मैंने आपको दिखाया ना वो मुझे वाइट चाहिए था, इसलिए मतलब एक होता है ना कि आप उम्मीद पे होगी ये वाइट होगा बट बाद में आपको पता चलता है कि वो वाइट नहीं है, तो इससे
मुझे उम्मीद उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि उससे था, इसलिए मुझे ये था येलोइश टोन पे ही चाहिए था, बट वो जो पॉट मैंने आपको इससे पहले दिखाया वो मुझे एकदम वाइट पे चाहिए था। बट हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड अफोर्डेबल प्राइस में भी है, तो आप लोग ज़रूर मीशो पे जो है डेकोरेशन के आइटम ज़रूर आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ आप देख सकते हो ये अगेन एक सिरेमिक मटेरियल पे है एंड इसकी हाइट ठीक ठाक है। इसको जब मैंने सजाया ना फ्लावर्स के साथ, ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। एंड मैंने इसको और वाइट वाले उस पॉट को ना दोनों को एक साथ रखा है मेरे डाइनिंग टेबल पे एंड इट लुक सो 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 क्लासी। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया, आप लोग ज़रूर देख लेना कि इमेज पे कैसा दिख रहा है। एंड मैंने बहुत ढूंढा क्योंकि मुझे ना वो प्लास्टिक वाले फ्लावर्स नहीं चाहिए थे, मुझे ओरिजिनल एकदम ओरिजिनल लुक देने वाला ही मुझे फ्लावर्स चाहिए थे, इसलिए मैंने बहुत सर्च किया एंड उसके बाद मुझे मिल गए हैं ये फ्लावर्स। ये है ट्यूलिप फ्लावर्स एंड लुक एट दिस गाइस, ओ माय गॉड, इट लुक सो ब्यूटीफुल। मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना ये, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैंने इतना सोचा तक नहीं था कि यार इतना अच्छा होगा ये। मतलब मीशो में भी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, हमको तो पता ही नहीं था। जब तक आप उसको परचेज करोगे नहीं ना, आपको चीज़ें पता नहीं चलेगी कि मतलब ये अच्छी है भी या नहीं है। अगर मैं इसकी मटेरियल की बात कर लूँ तो ये है एक फोम फ्लावर, वहाँ पे कई सारे मतलब इसका जो प्रोडक्ट डिटेल्स था उस पर लिखा हुआ है कि ये प्लास्टिक का है, बट ये प्लास्टिक का बिल्कुल भी नहीं है। एंड वहाँ पे मतलब प्लास्टिक का भी लिखा है एंड ऊपर में एक जगह पे मैंने पढ़ा कि वहाँ पे लिखा है ये फोम फ्लावर है, तो तब मुझे पता चला कि हाँ ये फोम फ्लावर है, ये फोम मटेरियल जो है इसकी फोम है एंड इसके साथ जो लीव्स भी है ना ये भी फोम के ही हैं। सो दैट्स वाई इट लुक्स, मतलब ये बिल्कुल रियल दिख रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये फ्लावर्स मतलब ऐसे आर्टिफिशियल वाले हैं। तो ज़रूर आप इसको एक बार ज़रूर आप सर्च करो मीशो पे, आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगा। आपको कलर्स बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें, मुझे वाइट ही चाहिए था इसलिए मैंने वाइट परचेज़ किया है, बट हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम जो है कलरफुल परचेस करूँ। तो यहाँ मुझे है ना 10 पीसेस मिली हैं और हाँ, वाइट जो है ना थोड़ा मेंटेनेंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, बट या इट लुक्स सो गुड। इसकी जो 10 पीसेस हैं इस प्राइस रेंज में आपको 10 पीसेस मिल रही है, कैन यू बिलीव गाइज, मतलब इससे कम आई डोंट थिंक कहीं मिल सकता है। एंड सेम चीज़ें मैंने अमेजोन पे सर्च करी थी, प्राइस का डिफरेंस था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा चलो मीशो से ही परचेज कर लेते हैं। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ऐसे ही हॉल्स देखने हैं तो ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू, व्लॉग्स और साथ ही साथ कई सारी चीज़ें मैं इस मेरे चैनल पर अपलोड करती हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय।